नमस्कार मित्रों, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में धन मूलकों की सूकी कसोटी में करवामां आवती ज्योत कसोटी एटले के लैम टेस्ट नी प्रयोग पद्धति अने तेनो प्रयोग निहाळीशुं। अहीं प्रयोग में क्षार के मिश्रण सांद्र एससीएल में पेस्ट बनावामां आवे छे, कारण के केटलीक धातुओना क्लोराइड क्षार बाष्पशील होय छे अने आ बाष्पशील क्षार ने ज्यारे ऑक्सिडाइजिंग फ्लेम में गरम करवामां आवे छे त्यारे आ धनायनों में हाजर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण कर ऊंचा शक्ति स्तरों में जाए, बीजा अर्थ में ऊंचा ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित थाय छे, फरीथी पाछा निम्न अवस्था में परत फरे छे, त्यारे तेओ दृश्यमान विभागना विकिरणों उत्सर्जन करे छे अने तेथी विशिष्ट रंगनी ज्योत जोवा मळे छे। ने ज्योतना रंगनो आधार आ उत्सर्जित थता प्रकाशनी ऊर्जा बीजा अर्थमां तरंग लंबाई पर रहेलो छे। आ माटे प्लेटिनम वायरनो उपयोग करवामां आवे छे, कारण के प्लेटिनम तार सांद्रे एससीएल के धातुना बनेला क्लोराइड क्षार साथे प्रक्रिया आपतो नथी। तदुपरांत प्लेटिनम पोते पण ज्योतमां कोई रंग आपतो नथी, परिणामे ते धातुना क्षारनो ज्योतमां रंग जोवा माटे अड़चणरूप नथी। तदुपरांत बंसेन बर्नरनी ज्योतमां प्लेटिनमनुं गलनबिंदु घणुं ऊंचुं होय छे, एटले के बर्नरना तापमान करतो बर्नरनी ज्योतना तापमान करतो प्लेटिनमनुं गलनबिंदु खूब ज ऊंचुं छे, परिणामे अहीं प्लेटिनम तारनो उपयोग करवामां आवे छे। मित्रों, प्रयोग करता पहेला अहीं प्लेटिनम वायरना छेड़े एक नानो लूप एटले के वलय आकार बनावामां आवे छे। टू क्लीन द लूप डीव इन टू द कॉन्सन्ट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हॉट इट इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस मीन्स ऑक्सिडाइजिंग फ्लेम। एटले के अहीं आगळ प्लेटिनम वायरनो ज्योत कसोटीमां उपयोग करता पहेला तेने सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडना द्रावणमां बोळी गरम करवामां आवे छे। रिपीट स्टेप टू अंटील द वायर इम्पार्ट्स नो कलर टू द फ्लेम। ज्यो सुधी प्लेटिनम वायर वड़े ज्योतमां रंग जोवा मळे त्यो सुधी गरम करवामां आवे छे। प्लेटिनम वायर ने ज्योतमां गरम करती वखते जो कोई रंगीन ज्योत जोवा न मळती होय तो ज प्लेटिनम वायरनो प्रयोग माटे उपयोग में करवामां आवे छे। प्लेटिनम वायरनो उपयोग करता पहेला सौ प्रथम एक वॉच ग्लास में थोड़ा प्रमाण में सॉल्ट अथवा मिश्रण लई तेमां बे थी त्रण टीम्पा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड उमेरी पेस्ट बनावामां आवे छे अने तेमां प्लेटिनम वायरनो छेड़ो बोळी अने तेने ऑक्सिडाइजिंग ज्योतमां गरम करवामां आवे छे। ऑक्सिडाइजिंग ज्योतमां गरम करती वखते मळती ज्योतनो रंग नरी आँखे अने कोबाल्ट ग्लासमां निहाळवामां आवे छे अने आ ज्योतना रंगने आधारे धनायननी परख करवामां आवे छे। जो मिश्रणमां
एक करता वधारे रंगीन धनायनों उपस्थित होय तो तेवा संजोगों में कोबाल्ट ग्लास नी मदद थी रंग निहाळवामां आवे छे, जे एक फिल्टरनु काम करे छे। आम नरी आँखे अने कोबाल्ट ग्लास में जूतनो रंग जोई अने तेना आधारे पण परख करी शकाय छे। सौ प्रथम आकृति में बताया प्रमाणे प्लेटिनम वायर जे एनो छेड़े पेन्सिल नी मदद थी एक लूप बनावामां आवे छे, त्यारे आवा प्रकारनो रिंग के लूप तैयार थाय छे। अने त्यार बाद आ प्लेटिनम वायरनो लूपवाळा भागने मिश्रणनी सांद्र एसिलमां बनावेल पेस्टमां बोळी अने बंसन बर्नरनी ऑक्सिडाइजिंग फ्लेममां गरम करी अने ज्योतनो रंग निहाळी अने धनायननी परख करवामां आवे छे। मित्रों, ज्योतमां जुदी जुदी धातुओना रंग आ प्रकारे जोवा मळे छे, जेमां मोटे भागे आल्कली धातुओ, आल्कलाइन अर्थ धातुओ अने कॉपर तेमज लेड जेवी धातुओनो समावेश थाय छे, जेमां ज्योतमां रंग तो जोवा मळतो रंग आ प्रकारे छे। मित्रों, जुदी जुदी धातुओनो ज्योतमो रंग प्रयोग द्वारा आपणे निहाळीशुं। मित्रों, अहीं आल्कली अने आल्कलाइन अर्थ धातुओ नो ज्योतमो रंग जो याद राखवो होय तो एक ट्रीकना आधारे याद राखी शकाय। आल्कली धातुओमां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम अने सीजियम धातुओ ज्योतमो रंग आपे छे। જ્યારે આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુઓ યાદ રાખવી હોય તો બેટા, માગે, કાર, સ્કૂટર, બાપ અને રાજી રેડિયમ સુધી આવે, પણ એમાં કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ અને બેરિયમ એટલે કે આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુઓમાં પહેલી બે બેરિલિયમ અને મેગ્નેશિયમનો જ્યોતમાં રંગ જોવા મળતો નથી, એટલે કે રંગવિહીન જ્યોત આપે છે। એટલે અહીંયા આગળ જો આપણે યાદ રાખવું હોય તો આગળની બે ધાતુઓ એ જ્યોતમાં રંગ આપતી નથી। બીજા અર્થમાં પોટેશિયમ જે આવર્તમાં આવે છે એ જ આવર્તમાં, એટલે કે પોટેશિયમની લાઇનમાં કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ અને બેરિયમ એમ ત્રણ આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુઓ અને પાંચ આલ્કલી ધાતુઓનો રંગ આપણે યાદ રાખીએ તો ધાતુઓનો સમૂહમાં ક્રમ તો આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ, પણ રંગ યાદ રાખવો હોય તો લિથિયમ માટે રેડ, સોડિયમ માટે પીળો, પોટેશિયમ માટે જાંબલી, રુબિડિયમ માટે પણ જાંબલી અને સીઝિયમ માટે વાદળી, તો લાલ પીળો ઝાઝા વાદળી, તો લાલ પીળો જાંબલી જાંબલી અને વાદળી આ રીતે યાદ રાખી શકાય। ત્યારે આલ્કલાઇન ધાતુઓ માટે બર્થડે કેક આપ, બર્થડેમાં બી ફોર બ્રિક, કેક માટે સી ફોર ક્રિમ્સન, આપ એટલે એ ફોર એપલ, તો આ રીતે આપણે જ્યોતનો રંગ યાદ રાખી શકીએ। પ્રોસીજર જોઈએ તો સૌ પ્રથમ પ્લેટિનમ વાયરને કોઈપણ પ્રકારના રંગની જ્યોત ન મળે ત્યાં સુધી ગરમ કરવો અને ત્યારબાદ તેને સાંદ્ર એસિલમાં બોળી જે ક્ષાર માટે અથવા મિશ્રણ માટે ટેસ્ટ કરવાનો હોય તેમાં પ્લેટિનમ વાયર બોળી અને તેને ગેસની ફ્લેમમાં ધરતો જો લિથિયમ હોય તો લાલ રંગની જ્યોત મળશે લિથિયમ ક્લોરાઇડને લીધે, કારણ કે લિથિયમનો ક્લોરાઇડ સાથેનો સોલ્ટ બનેલો હોય। કોપર હોય તો ડાર્ક ગ્રીન ઘેરા લીલા રંગની જ્યોત મળશે। સીઝિયમ વાદળી રંગની, સોડિયમ પીળા રંગની મળશે,
पोटेशियम माटे जांबली पर्पल कलर नी जोत जोवा मळशे। जारे बेरियम माटे एप्पल ग्रीन कलर नी जोत जोवा मळे छे। स्ट्रोंशियम मां क्रिम्सन एटले के किरमजी रंगनी रूबीडियम मां रेड पर्पल रंगनी जोत जोवा मळे छे। कैल्शियम मां ब्रिक रेड एटले के ईट जेवो लाल रंग जोवा मळे छे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।